जिंदगी में तुम्हें बहुत बड़ा बनना है ना, तो दरबारों के पर्चे से तुम सफल नहीं हो सकते हो। तुम्हें बहुत बड़ा बनना है तो दरबार की कृपा लेकर के जिंदगी में तुम बड़ा लक्ष्य लेकर चलना शुरू कर दो, कभी असफल नहीं होगे। और आज से तुम अपनी जिंदगी को बदलो, व्यसन को त्यागो, सनातन को पकड़ो, मस्तक पर तिलक लगाओ और चंबल का नाम बढ़ाने के लिए, अपने घर, अपनी माँ, अपने पिता का नाम गौरवान्वित करने के लिए, बुरा मत मानना मेरे पागल, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से या दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो रखने से जिंदगी में कभी सफलता नहीं आती है। जिंदगी में सफल होना है तो सूर्य के पहले जगना पड़ेगा, घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी जिंदगी में सफलता कदम चूमेगी। और आप सोचो कि गुरुजी ऐसा मंत्र फूंक दें कि हम सीधे विधायक बन जाएं, ठठरी के बरी ऐसे ही जो हो तो आदमी का यहां पर फिर सीधे गुरुजी भल्लो ना आओ। तो यहां तो तुम इसलिए बैठे हो कि जब कर्म किया और सफल नहीं हो रहे तो बागेश्वर बालाजी की कृपा तुम्हें झुकने या रुकने नहीं देगी। किसी गुरु का भाग्य जिंदगी में जब जुड़ जाता है तो गुरु के सौभाग्य से बंद पड़ी हुई किस्मत की लकीरें खुल जाती हैं और कर्म करने से जिंदगी में बुलंदी प्राप्त हो जाती है। तो गुरु बहुत जरूरी है। दरबार, फिर आप कहोगे गुरु जी जब हमैया सब कछु करना तो तुम का यहाँ जो बेफिजूली में पंडाल अंडाल लगाए, टेंट टेंट चार चार घंटा बैठा रहे, न पानी की व्यवस्था, न बैठवे की व्यवस्था, धक्का खा रहे सो अलग, आदमी चढ़ बैठो कछु जाने के तो रुपया ही चोरी चले गए, कछु जाने के मोबाइल। एक एक एक, एक जने तो एक कथा में हम पे कहते गुरु जी तुम्हें तो ना जाना, नाम का नहीं बताओ, हमने कई बेर, काल भी एक माता जी पकड़ गई चोरी में, पकड़ी गई ना, कल भी पकड़ी गई, अब हर वे पकड़ जा, लेकिन का करत, अब दुनिया है तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग, कछु मानच कछु देवता कछु जय जय सीताराम। हाँ अपना उनके चक्कर में नहीं पड़ भैया, न्यूज आ रही है तुम बुरा ना मानियो, हमने आउता नहीं तुम उन पे बाण ठोक दो। लेकिन क्या है कि हम सनातन के खिलाफ नहीं सुन सकते, कोई हमारी बुराई कर दे हमें बुराई नहीं है, हम तो कह देते सेम टू यू माई डियर। हाँ कोई हमारी बुराई कर दे हम कभी नहीं नाराज होते, आपने देखा कितने लोग नहीं कराता, हम सोचा ना ये एक और साई। सबको डर है जब से हमने आदिवासी जनजातीय लोगों में अपनी तरफ से निशुल्क कथा करना शुरू कर दिया बन बन जाकर, तब से बड़ी बड़ी मिशनरियों को डर हो गया ये आदमी बहुत खतरनाक है, हमारे मिशन को रोक सकता है, इसलिए रोज प्लांट करता रहते हैं लोग के कुछ ना कुछ तो मिल जाए। लेकिन हमारा प्रण है तुम लोग चिंता मत करना सनातनियों, हमारे तन में जब तक खून रहेगा तब तक हम दहाड़ते रहेंगे और हिंदुओं को एक करते रहेंगे। चाहे तुम कथा सुनकर एक हो, चाहे दरबार का चमत्कार देखकर राम के बनो, चाहे तुम बागेश्वर बालाजी की कृपा पाकर एक बनो, जब तक हम तुम्हें हनुमान जी का पागल नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं सोएंगे, ना खाएंगे ना बैठेंगे।